लोगों को अक्सर सुपर हीरो बनने का शौक होता है। इसके साथ ही वो चोरों को भी पकड़ना चाहते हैं जो चोरी करके भाग रहे हों। आज हम अपनी इस लिस्ट में कुछ कूल गैजेट्स देखने वाले हैं जो बिना रुकने वाली चीजों को भी रोक सकती हैं। तो चलिए चलते हैं इस रोमांचक सफर पर। नंबर एक, नेट एंड केबल बैरियर्स। बहुत सी डेवलपमेंट और रिसर्च के बाद नॉर्थ कैरोलिना की कंपनी बैरियर वन सिस्टम ने ये दो बैरियर सिस्टम बनाए हैं जो कि 2 सेकंड से भी कम समय में एक्टिवेट हो जाते हैं और ये केबल्स किसी भी तरह की गाड़ी को रोड पर रोक सकते हैं भले ही वो बहुत हाई स्पीड से आ रही हो। बहुत से टेस्ट करने के बाद ये बात सामने आई है कि ये नेट बैरियर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आने वाली 20 टन तक के ट्रक को भी रोक सकते हैं। टकराने पर ट्रक का आगे का हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो जाता है जबकि बैरियर फिर भी पूरी तरह से डैमेज होने से बच जाता है। इस नेट की अधिकतम लेंथ 27 मीटर है जो किसी भी किस्म की रोड को आसानी से ब्लॉक कर सकती है। इस बैरियर का एक और कॉम्पैक्ट वर्जन एक सिंगल केबल होता है जो केवल 45 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है। इस कॉम्पैक्ट वर्जन की मैक्सिमम लेंथ 50 फीट है और ये सिस्टम 50 किलोमीटर प्रति घंटा से आने वाली 60 टन तक की गाड़ी को भी रोक सकती है। नंबर दो, पिट बुल। ये एक सिंपल बैरियर है जिसमें नुकीली कीले एक नेट के साथ अटैच्ड होती हैं। जैसे ही गाड़ी स्पीड बम्प के ऊपर से गुजरती है तो नुकीली कीले टायर को पंक्चर कर देती हैं और छोटी पिट से नेट बम्प के मिडिल से निकल आता है और कार के अगले हिस्से को कवर कर लेता है और इस तरह ये सिस्टम कार को अचानक से रोक देता है। ये डिवाइस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आने वाली व्हीकल को रोक सकती है। ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है और अपने स्पेशल सेंसर से गाड़ी को करीब महसूस करते ही एक्टिवेट हो जाता है। कार्स के 24 घंटे वाले चेक पॉइंट के लिए ये डिवाइस बिल्कुल परफेक्ट है। नंबर तीन, ग्रैपलर पुलिस बम्पर। ये सिस्टम पुलिस कार्यवाही में मुजरिमों को रोकने के लिए बनाया गया है। इस डिवाइस के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वो बहुत सिंपल है। ये पुलिस कार के आगे बम्पर पर इंस्टॉल होती है आगे भागने वाली क्रिमिनल की गाड़ी को रोकने के लिए। पुलिस ऑफिसर्स को एक स्पेशल बटन दबाना होता है जिससे एक यूनिक एक्सटेंडेबल वाई शेप्ड आर्म हैवी ड्यूटी नायलोन के जाल के साथ एक्टिवेट हो जाता है जो फरार होने वाली गाड़ी के पिछले पहियों में लिपट जाता है और फिर उस गाड़ी को रोक देता है। इस तरह भागती हुई गाड़ियों का पहिया उलझ जाता है जिससे बचना नामुमकिन हो जाता है। ये अमेरिकन डिवाइस लॉ और एनफोर्समेंट एजेंसीज की सिक्योरिटी बढ़ाती है। नंबर चार, हील्ड ST1 रैप्टोर। जिस कंपनी ने ये रिट्रैक्टेबल बैरियर बनाए हैं उसको अपनी इन्वेंशन के लिए पेटेंट राइज भी मिल गया है। ये एडवांस सिस्टम रोड बैरियर की जबरदस्त सुरक्षा और बहुत सी मॉडर्न डिवाइस की मोबिलिटी वाली खासियत अपने अंदर रखता है। टेस्टिंग के दौरान इस डिवाइस ने 80 किलोमीटर प्रति घंटा से आने वाली 60.5 टन तक की गाड़ी को भी रोका है। टेस्टिंग में जो ट्रक इस्तेमाल हुआ था वो तो पूरा ही तबाह हो गया था जबकि बैरियर पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बाद में भी ऐसे ही नॉर्मल काम करता रहा। रैप्टोर को सिंगल यूनिट या फिर दूसरे बैरियर के साथ भी ऑपरेट किया जा सकता है और किसी साइज और स्पेस में सुरक्षा प्रोवाइड करता है।
ये डिवाइस अपने सिंपल डिजाइन की वजह से शहर में मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ अच्छी तरह फिट हो जाता है। इसके अलावा इसे रिमोट कंट्रोल से भी ऊपर और नीचे किया जा सकता है। नंबर 5, एलकोस्टा वेज। ये बैरियर सेंसिटिव एरियाज के लिए बनाया गया है और हर साइज और शेप की गाड़ियों को मैक्सिमम सिक्योरिटी देता है। ये खासकर गवर्नमेंटल एरियाज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स, पावर स्टेशंस और एयरपोर्ट जैसे हाई सिक्योरिटी एरियाज के लिए बनाया गया है। ये एक सिंगल यूनिट की तरह इंस्टॉल किया जा सकता है या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ भी लगाया जा सकता है। ये बैरियर सिटी सेंटर जैसी जगहों पर भी इंस्टॉल किया जा सकता है। ये सिर्फ 12 इंच गहरा होता है, 7 इंच इसके फाउंडेशन के होते हैं और 4 इंच इसके रोड को कवर करने के लिए। इसके अलावा ये सिस्टम इंस्टॉलेशन में बहुत आसान है, बहुत फास्ट काम करता है और जंग से भी पूरी तरह सुरक्षित है। ये हाई स्पीड ट्रक को भी रोक सकता है। नंबर 6, डायनेमिक स्पाइक। ये सिस्टम बहुत कॉम्पैक्ट है और मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके छोटे साइज की वजह से इसकी अहमियत बढ़ जाती है। इसको प्रोडक्ट के साथ आने वाली एल्यूमिनियम से निकालना होता है और फिर मैनुअली या फिर किसी गाड़ी की डिग्गी में भी रखकर ट्रांसपोर्ट करना होता है। डायना स्पाइक को कोई भी व्यक्ति इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकता है क्योंकि इसका वजन बहुत कम है और इसकी इंस्टॉलेशन में कुछ ही सेकंड्स लगते हैं। ये डिवाइस ऑटोमेटिक है और इसे रिमोट कंट्रोल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ये एक मजबूत लाइट वेट एल्यूमिनियम की बनी होती है और इसकी कीले रस्ट प्रूफ स्टील की बनी होती है। कार को रोकने के लिए डिवाइस के होल्स में से नुकीली कीले निकलती हैं और टायर को कुछ ही सेकंड्स में पंक्चर कर देती हैं। ये डिवाइस रोड की चौड़ाई और इसकी कीलों के हिसाब से अलग अलग मॉडल्स में आता है और डिवाइस की लंबाई 10 से 24 फीट तक होती है। नंबर 7, टायर स्टॉपर। ये बैरियर एक यूनिवर्सल सिक्योरिटी डिवाइस है जो किसी भी प्रकार की कार को उसके पहिए डैमेज करके रोक सकता है। इसमें 2 इंच लंबी नुकीली कीले होती हैं जो जंग ना लगने वाली स्टील की होती हैं और जिंक की एक्स्ट्रा लेयर से कवर होती हैं। ये बैरियर एक हाइड्रोलिक सिस्टम से एक्टिवेट होता है जो कि ऑटोमेटिकली या रिमोट कंट्रोल से भी ऑपरेट किया जा सकता है। इस डिवाइस के अंडरग्राउंड पार्ट्स भी रस्ट प्रूफ हैं। टायर स्टॉपर एक क्लीनिंग सिस्टम के साथ इंस्टॉल किया जा सकता है जिसमें पानी निकलने के लिए पंप होता है। जीरो टेम्परेचर वाले एरियाज में भी इसे एक हीटर के साथ इंस्टॉल किया जा सकता है। ये सिस्टम ऐसी डिजाइन किया गया है कि बिना पैसेंजर को नुकसान पहुंचाए किसी गाड़ी को भी रोका जा सकता है। जब ये बैरियर एक्टिवेट होता है तो कीले 5 इंच तक निकल आती है और आम गाड़ियों के लिए ये ना पार करने वाला बैरियर बन जाता है। नंबर 8, स्टार केस। ये एक ट्रैकिंग डिवाइस है जो GPS लोकेशन वाले एक छोटे प्रोजेक्टाइल के साथ आती है जिससे अमेरिकन पुलिस इस्तेमाल करती है। इसकी वजह से पुलिस को पूरे शहर में मुजरिमों का पीछा नहीं करना पड़ता, उनको केवल GPS प्रोजेक्टाइल की मदद से केवल मुजरिम की गाड़ी पर फायर करना होता है ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक होती रहे। ये डिवाइस GPS टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसका सिस्टम पुलिस कार में मौजूद एक बटन दबाने से एक्टिवेट हो जाता है और फिर ये एक स्पेशल प्रोजेक्टाइल फायर करता है जो कि मुजरिम की गाड़ी से चिपक जाता है। बेसिकली ये डिवाइस एक ट्रैकिंग सिस्टम की तरह काम करता है और पुलिस को रियल टाइम में मुजरिमों की लोकेशन मिल जाती है।
तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये बैरियर्स, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।